राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपने चिर परिचित अंदाज में कविता सुनाई। आठवले की कविता पर संसद में खूब ठहाके लगे। सत्ता विपक्ष दोनों तरफ के नेता आठवले के अंदाज पर मुस्कुराते देखे गए। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम इसलिए मैं करता हूँ आपको सलाम। लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ, ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है और यह आने कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया तो आपको क्या तकलीफ है, राइट? इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जी, रामदास जी।